स्टूडेंट्स पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से तैयारी करें एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है इसीलिए आपको यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स देते हैं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किए साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रिवीजन के लिए एंड ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर वन में पचास में से थर्टी प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है इस बैच के लिए और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप या तो गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं है या फिर कुछ फ्री कंटेंट के लिए भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये कोर्स है और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं सर्च बार में कोर्स को सर्च कीजिए कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी बायलिंग सेपरेट कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाते हैं इसका ये फायदा है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट में एमसीक्यूज या थियरी के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो एंड यकीन रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है क्वेश्चन है विच एग्जिस्टिंग इन इंडिया करेंटली भारत में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय भी हैं पहला ऑप्शन है कम्युनिटी यूनिवर्सिटी जो कि गलत है ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं है नेक्स्ट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी तो ये बिल्कुल सही है एंड टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी दिसंबर 2023 के डेटा के हिसाब से बता रही हूं 124 है नेक्स्ट वी हैव इज रिसर्च यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सो फोर फिफ्टी फाइव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं and, uh, है, so, है. इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है जो कि है स्टेट यूनिवर्सिटी एंड टोटल वी हैव 479 स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक चौदह टोटल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में तो यहां पर क्वेश्चन में देख लीजिए सही आंसर है बी डी एंड ई दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना भी बिल्कुल पॉसिबल है एंड इसके लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखिए जिसकी प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ यहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ हम आपको एग्जाम से पहले हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर करवाने की गारंटी देते हैं थ्री सेशन रोज यहां पर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे साथ ही आपको हम एमसीक्यूज एंड प्रैक्टिस के साथ साथ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके रिविजन के लिए फाइव थाउजेंड प्लस एमसीक्यूज ये

इस कोर्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा बुक या एक्स्ट्रा कोई मॉक टेस्ट खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी डाउट्स हैं तो गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हो विच अमंग नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजीसी तो देखिए यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसकी क्या क्या जिम्मेवार नहीं है पहला ऑप्शन है टू रेगुलेट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन तो हायर एजुकेशन का जो भी सिस्टम है इंडिया में उन सब चीजों को रेगुलेट करना उन सब चीजों पर फोकस रखना यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बट नॉट बोला है तो इसलिए ऑप्शन गलत है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कैंपस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि जितने भी उच्च संस्थान है उनमें अनुशासन को बनाए रखना ये भी गलत होगा क्योंकि ये भी यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तीसरा ऑप्शन है टू फंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफ फैकल्टी सो फैकल्टी ओके okay, so, पर थोड़ी सी ये है कि पहला ऑप्शन तो गलत है टू मेंटेन कैंपस के में डिसिप्लिन मेंटेन करना यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और हमें नॉट ही पूछा गया था तो इसलिए देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ठीक है रिसर्च में जो भी फंड यूज होता है वो सब प्रोवाइड करवाना भी यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मॉडल करिकुलम सजेस्ट करना यूनिवर्सिटीज को ये भी यूजीसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस आपके जो कैंपस है उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना इनकी जिम्मेवारी नहीं होती है तो इसलिए सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड इन कनेक्शन विद बिहार आज ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड इन इंडिया सो देखिए यहाँ पर विहारा की बात की है यहाँ पर वो जो जगह है बिहार उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे ये विहारा है ठीक है विहारा का मतलब होता है कि प्राचीन काल में देखो क्या होता था पहले बच्चों को जैसे मान लो मेरे आसपास कुछ बच्चे हैं मैं मंदिर में बैठकर उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गए और उसी मंदिर को धीरे धीरे एक यूनिवर्सिटी का रूप देने लग गए और उसी के नाम से वो यूनिवर्सिटी चल गई उस चीज को बिहारा बोला जाता था तो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पहले मंदिर हुआ करती थी ये इस सवाल में पूछा गया है ओके सो ऑप्शन है हमारे पास सबसे पहला है नालंदा यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही है ठीक है नालंदा विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें की आपको आ, मतलब हॉस्टल फैसिलिटी मिला करती थी देन वी हैव नवदीप यूनिवर्सिटी ये विहारा में नहीं आती थी और यूनिवर्सिटी भी विहारा का ही एक पार्ट है एंड कांची यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप सब देख सकते हो करेक्ट आंसर है ए एंड सी दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री ओनली मैं उम्मीद कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन अच्छे से आप समझ रहे हो Identify the statutory bodies of a university. Okay, so देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो भी वैधानिक निकाय होते हैं वो आपको पता होने चाहिए जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ए आई सी टी वैधानिक निकाय है यू जी वैधानिक निकाय है या नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो उसकी आपने लिस्ट बना देनी है अगर नहीं पता तो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी ठीक है स्टेटुटरी बॉडीज ऑफ यूनिवर्सिटी क्या क्या है बोर्ड ऑफ स्टडीज ठीक है पहला ऑप्शन है बोर्ड ऑफ स्टडीज ये बिल्कुल है स्टेटुटरी बॉडी विधानिक निकाय है अगला है अकेडमिक काउंसिल नो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये भी होता है फाइनेंस कमेटी की सेटूटरी बॉडी नहीं होती और यूनिवर्सिटी कोर्ट भी आपके पास क्या होता है स्टेटुटरी बॉडी होती है राइट right, सो so ये है आपका सही आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री इसको एज इट इज याद रख लो यूनिवर्सिटी के अंदर जो विधानिक निकाय है वो बोला है एज इट इज नोट कर लो बहुत बार क्वेश्चन आया है स्टेटमेंट वन बोलती है पर्पज ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू मेक फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन नॉलेज अनुसंधान हम क्यों करते हैं इसका यहाँ पर एक रीजन बताया है कि अनुसंधान करने का उद्देश्य ज्ञान में मौलिक योगदान देता है कि आपका नॉलेज बढ़ाने में मदद करता है एक्चुअल में रिसर्च हम क्या क्यों करते हैं ताकि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके ओके okay, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है स्टेटमेंट टू बोल रही है इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन वेरी लार्ज एरिया ऑफ नॉलेज बाय पब्लिशिंग अ नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स सो देखिए, इंडियन हायर एजुकेशन जो है वो रिसर्च में एक अच्छा खासा काम तो कर रही है बट ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश होने से इस पर फर्क पड़ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश होने से ही फर्क पड़ता है तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट तो थोड़ा सा ना लॉजिकल इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना होता है तो इजीली आंसर आपको मिल जाता है विच अमंग एडवर्सली अफेक्ट द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन ओके सो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन उच्च शिक्षा संस्थानों के समावेशी चरित्र को चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है इफेक्ट कौन सा उन पर करता है ये पूछा गया है ओके सो फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नो टू सेलेक्ट वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी सक्षम एक जो शिक्षण है शिक्षक है वो होने चाहिए नहीं सबसे ज्यादा इफेक्ट पूछा है To use uniform criteria to select the institution so that charges of partiality can be avoided. Okay, तो ये होगा आपका सही आंसर इसमें बोला है कि संस्थानों का चयन करने के लिए एक समान मानदंड होना चाहिए हर बच्चे के लिए हर person के लिए ताकि ताकि वो मानदंड का उपयोग करना ताकि पक्षपात को रोका जा सके ओके okay, तो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर ंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा मदद कौन करते हैं ऑर्गेनाइजिंग सही है जितने ज्यादा अगर आपके कॉलेज वाले आपके इंस्टीट्यूट वाले कॉन्फ्रेंसेस करते हैं बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाकर आप लोगों को पढ़ने के लिए मदद करते हैं तो अच्छा रिजल्ट वहां पर क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आप लोगों को मिल सकती है आप लोगों को पता चल सकता है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है क्या हमें पढ़ना है कैसे हमें पढ़ना है ओके okay, सेकेंड आ जाता है सेकेंड ऑप्शन आता है एनकरेजिंग कलेबोरेशन ऑफ रिसर्च विद लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड बिल्कुल सही है बाय प्राइवेटाइजिंग दी यूनिवर्सिटीज हर एक यूनिवर्सिटी को निजीकरण उसका कर देना ये गलत है बाई क्रिएटिंग अस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर दो फैकल्टी आपकी रिसर्च नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रांग पनिशमेंट होना ये भी गलत है प्रोवाइडिंग ई रिसोर्स टू द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि छात्रों और टीचर्स को ई संसाधन प्रोवाइड करवाना ठीक है ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली जो चीजें जनरेट होती है ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना तो सही आंसर है ए बी एंड ई ओनली बहुत आसान था नेक्स्ट इज असर्शन बोलता है देयर आर रिलीजनल वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड बाई द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन ओके उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय भिन्नताएं होती हैं। क्षेत्रीय भिन्नताओं का मतलब होता है कि किस रीजन में आप पढ़ रहे हो कहाँ हो उस चीज में डिफरेंसेस होते हैं ये एक स्टेटमेंट बोलती है जो कि सही है इसका कारण क्या है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन कैन नॉट बी कंपेयर टू नीड्स ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बट आपको लग रहा है कि असर्शन और रीजन एक दूसरे से जुड़े हैं ये दो बातें सही तो हैं बट एक दूसरे को कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मॉडर्न यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वर एस्टैब्लिश ड्यूरिंग कोलोनियल पीरियड ओके आधुनिक विश्वविद्यालय सबसे पहले ऑपनि औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित किए गए थे सो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज के बारे में ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है ओके स्टेटमेंट टू बोलती है द ब्रिटिश गवर्नमेंट हु आर जेनुअनली इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया सो देखिए ब्रिटिश काल में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन पर वो इंडिया में ध्यान तो बहुत ज्यादा दिए दिया करते थे बट नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बढ़ाने में उनका कोई योगदान नहीं था ना उनका कुछ ऐसे प्लान के बारे में अभी तक फिलहाल कहीं पड़ा है तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट क्रेडिट्स अर्न बाई स्टूडेंट एंड स्कोर्ड स्टोर्ड इन अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसको ए बी सी सॉरी जिसको ए बी सी बोला जाता है आफ्टर द डेट ऑफ अर्निंग सच क्रेडिट्स विल हैव वेलिडिटी अप टू मैक्सिमम ऑफ वट अब देखिए आप लोगों को ये पता है कि ए बी सी यानी कि अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना है जिसकी मदद से स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर अगला साल उनको छोड़ना पड़ रहा है फिर वो उसके अगले साल पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड ईयर से तो उनके जो क्रेडिट्स हैं वो स्टोर होंगे उनको वापस से फर्स्ट ईयर में नहीं जाना पड़ेगा किसी और कॉलेज में भी अगर वो जा रहे हैं तो उनके पुराने स्कोर पुराने क्रेडिट स्टोर रहेंगे जिसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है एंड इसकी वैलिडिटी कितने साल तक है तो इसकी वैलिडिटी बनाई गई है सेवन ईयर्स तक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आपने नोट कर लेना है कि वैधता सात साल रहेगी सात साल के बाद अगर बच्चा सोचे मैं वापस इस स्कोर को कंटिन्यू करूंगा तो वो नहीं हो पाएगा फिर ठीक है इसी के साथ फिर सेशन को एंड करते हैं अगर स्टूडेंट्स आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट